if x is element of minus infinite to 0, show that cot inverse x is equal to pi minus sin inverse 1 upon under root 1 plus x square. तो cot inverse x का नेचर कैसा होता है, मैंने ध्यान से देखिए इसे करने के लिए क्या किया. cot inverse x का नेचर कैसा होता है, ये रहता है जीरो से पाई तक जाता है, ये जीरो कॉमा पाई है एंड ये पॉइंट कितना, जीरो कॉमा पाई बाई टू, ठीक है ना. तो मेरे पास जो कॉट इनवर्स एक्स, एक्स कैसा दिया है, एक्स मुझे ये पहले समझना चाहिए कि माइनस इनफाइनाइट से जब एक्स जीरो जा रहा है तो कॉट इनवर्स एक्स पाई से पाई बाई टू जाता है, ठीक है ना. तो अगर मेरे पास, मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, मैंने क्या किया कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो यहां पर जो काम की बात है, एक्स कैसा दिया है मेरे पास, एक्स दिया है माइनस इनफाइनाइट से जीरो दिया है, दैट्स वाई थीटा कैसा होगा, थीटा आएगा पाई बाई टू से पाई, इसमें लाइक आएगा. ये मेरे पास वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का नेचर ऐसा होता है, लगातार डिक्रीज करता है. जब एक्स माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक आता है तो जो कॉट इनवर्स एक्स है वो पाई से पाई बाई टू तक आता है. ये बहुत काम की बात है, आगे सॉल्विंग में सबसे ज्यादा यूजफुल इसी का होगा, जिसी का होगा. कंसंट्रेट करिए. अब मैंने क्या किया कि अगर कॉट इनवर्स एक्स थीटा है तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू आएगी एक्स आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और कॉट थीटा अगर एक्स है तो एक्स नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है. तो साइन थीटा कैसा आएगा, साइन थीटा मेरे पास आएगा, कॉट थीटा होता है, साइन थीटा कैसा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा कितना आएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये मैंने पॉजिटिव ही लिया है. पॉजिटिव क्यों लिया है, ये बात समझ में आनी चाहिए. ये पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि थीटा जो मेरे पास दिया है, थीटा किसमें दिया है, पाई बाई टू पाई में, और पाई बाई टू पाई में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना. अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, मैंने इसका दोनों तरफ साइन इनवर्स लिया, तो साइन इनवर्स मेरे पास साइन थीटा ये कितना आ जाएगा, ये आएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना. अब जो थीटा है, थीटा किसमें लाई कर रहा है, पाई बाई टू टू पाई में, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका नेचर कैसा होता है, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, इसका ग्राफ कैसा रहता है, इस टाइप से चलता है. तो y इक्वल टू, अगर मैं साइन वर्स साइन थीटा को ऑब्जर्व करता हूं तो इसका नेचर ऐसा होता है साइन वर्स साइन थीटा का. आप इनमें अगर थीटा की बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो कॉमा जीरो. लेकिन मुझे थीटा कैसा दिया है, पाई बाई टू से पाई में दिया है, तो थीटा यहां से यहां तक लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इसका स्लोप क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस थीटा प्लस पाई, सही है. तो जो सबसे ज्यादा क्रैक है इस रिजल्ट का, इस प्रॉब्लम का, वो ये यही है कि फर्स्ट मुझे ये जज करना है कि थीटा पाई बाई टू टू पाई लाई कर रहा है, एंड साइन वर्स साइन थीटा को ओपन कैसे किया जाएगा इस इंटरवल के लिए, माइनस थीटा प्लस पाई ओपन किया जाएगा, ये मेरे पास आ गया था, समझ आया. तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ध्यान से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा मेरे पास आ गया पाई माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर था, थीटा क्या था, कॉट इनवर्स. तो कॉट इनवर्स एक्स मेरे पास किसके बराबर आता है, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू 0, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस साइन वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मुझे लगता है समझ आ गया है, कोई दिक्कत इसमें है. जब कभी भी हम किसी को कुछ अज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो वेरिएशन है वो मुझे जरूर लिखना चाहिए, कहीं ना कहीं सॉल्विंग में काम देता है. जनरली स्टूडेंट से कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं,
वो सही नहीं है। यहां पर हमने देखा कि अगर x माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो है तो कॉट इनवर्स x किसके बराबर आया है, पाई माइनस साइन वर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। जो तरीका है इसे प्रूव करने का, इसे समझने का, वो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमें समझना है और ध्यान भी रखना है। याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसे डेवलप करना आना चाहिए। समझ गए? ओके।